स्वागत है दोस्तों। आज हम फिजिक्स के अंतर्गत यांत्रिकी फर्स्ट चैप्टर है इसके 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें हमको देखना है 200 प्रश्न। धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाते रहेंगे। आज 20 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, कल और भी अधिक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रेलवे हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर एक में हमसे पूछा गया है कार्य का मात्रक, तो जल्दी से बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। चाहे कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, सभी का मात्रक जूल होता है। अब हम कार्य को समझ लेते हैं। कार्य क्या है? कार्य तब होता है जब किसी वस्तु को हम बल लगाते हैं, वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है और वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह क्या है स्थानांतरित किया जाता है, उसमें विस्थापन किया जाता है, तब हम कहते हैं कि कार्य हुआ। अब ये हुआ कार्य क्या है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, इसका एक सूत्र होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। यहीं से एक इम्पोर्टेंट सूत्र है इसका, बल गुणित विस्थापन, और यहाँ पे आपको याद रखना है कॉस थीटा। ये क्या है, एंगुलर के रूप में जब उसे दर्शाया जाता है तब हम कॉस थीटा का यूज़ करते हैं। और भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए ये सूत्र आपको याद रहना ज़रूरी है। अब यदि हम बात करें कि ये किस प्रकार की राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि, क्योंकि जब कार्य हुआ है हम ये बताते हैं तो हमें दिशा बताने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका सही आंसर है दूरी। जो लंबी दूरियां रहती हैं उनको प्रकाश वर्ष में दर्शाया जाता है, और एक प्रकाश वर्ष में आपको याद रखना है कितना मीटर होता है, तो 9.46 गुणित 10^15 मीटर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? अब हमें जड़त्व को समझना होगा। एक वस्तु है ये स्थिर अवस्था में है और दूसरी वस्तु है गतिशील अवस्था में। स्थिर वस्तु अपनी अवस्था में कब तक बनी रहती है? जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। गतिशील वस्तु अपनी अवस्था को कब तक बनाए रखेगी? जब तक उस पर कोई बल नहीं लगता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ है, वस्तु यदि इतनी बड़ी है तो उसका द्रव्यमान कम होगा, इससे बड़ी है तो उसका द्रव्यमान और अधिक होगा। इसी हिसाब से क्या है, वो अपनी अवस्था को बनाए रखने का विरोध करती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी हो गई? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई द्रव्यमान। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द्रव्यमान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पे आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। उच्च वेग को किससे मापा जाता है? मैक से। तरंग दैर्ध्य को हम नापते हैं एंगस्ट्रॉम से। दाब का मात्रक होता है पास्कल और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा, इन तीन के बारे में थोड़ी थोड़ी हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं तरंग दैर्ध्य। यहाँ पे एक कण है, ये इस प्रकार से गति करता है, इस प्रकार से हमने एक साइन कर्व बनाए हैं, इसको हम कहते हैं गर्द और ये होता हमारा श्रृंग। कण ये ऐसा चालू हुआ गति करना और फिर से अपनी गर्द में पहुंच गया, तो ये कहला गया उसका एक दोलन।
एक दोलन में उसने जितनी दूरी तय की, यही दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य, जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं। या फिर दो सुरंगों के बीच में, यदि कण यहाँ से यहाँ तक गति करता है इस सुरंग तक, तो भी इस दूरी को हम कह देते हैं तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ। अब हम देखते हैं दाब के बारे में। दाब में ये कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु है उसके इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर यदि कोई इस प्रकार से लंबवत में यदि बल लगाया जाए तो उसे हम कहते हैं दाब। दाब का सूत्र क्या होता है? प्रेशर बराबर होता है एफ अपॉन एरिया। अब बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और एरिया का जो मात्रक होता है मीटर का वर्ग। एरिया मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर का स्क्वायर। यहाँ से इसका निकल गया सूत्र और यहीं से बन जाता है इसका मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। और दाब किस प्रकार की राशि है? तो दाब जो है अदिश राशि है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा क्या होती है? किसी भी कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अब यदि हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाती दो भाग में, एक हो जाती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र याद रखना है आपको, 1/2 mv का वर्ग, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। m वस्तु का द्रव्यमान है और वी वस्तु का वेग है। यहाँ पे यहाँ पर भी इसी प्रकार एम द्रव्यमान हो गया, जी गुरुत्वीय त्वरण है और एच है हाइट। इन सूत्रों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये सभी सूत्र आपको याद रखना है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से पूछी जाती हैं, जैसे कि जो बांध में जो पानी इकट्ठा रहता है इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा। यदि आप कोई खिलौना है उसमें चाबी भर देते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? तो उसका भी आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। और तनी हुई स्प्रिंग या फिर कमानी में कौन सी ऊर्जा रहती है, वहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा। ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं अपने एग्जामों में। अब 5वें नंबर का प्रश्न देखना है हमको, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष, पदार्थ की मात्रा हो जाएगी मोल, और विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम, और ऊर्जा वाट घंटा। ये इसका सही आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 6वें नंबर का प्रश्न। यहाँ पे भी हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। तो त्वरण का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। अब यहाँ से हम एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे त्वरण के बारे में। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। हमने कहा वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर हम जब भी बोलते हैं तो वहाँ पे हम समय को नीचे लिखते हैं। अब वेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो एक समय नीचे से भी एक समय ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर सेकंड का वर्ग, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग इसका मात्रक हो गया। अब इसमें से भी और कुछ चीजें आपको जानना है, जैसे कि त्वरण किस प्रकार की राशि है। तो त्वरण होता है सदिश राशि, और इसका मात्रक हमने जान लिया मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। अब एक चीज़ याद रखना है इसी में, त्वरण में हमको मंदन याद रखना है।
यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और बल लगाने से उसकी स्पीड कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं मंदन। उस समय त्वरण क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। अब बल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये एक वस्तु है, इस पर आपने बल लगाया तो इससे क्या होगा? या तो वो रुक जाएगी या फिर गति अवस्था में आ जाएगी। कुल मिला के उसकी प्रारंभिक अवस्था में आपने परिवर्तन कर दिए, ठीक है, उसमें आपने क्या कर दिए? त्वरण को उत्पन्न कर दिए। यदि स्पीड बढ़ गई तो एक्सिलरेशन, और यदि स्पीड घट गई तो मंदन। ठीक है, यहीं से इसका सूत्र होता है एफ बराबर एम ए। एम बोले तो द्रव्यमान और ए कहें तो त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ये एक सदिश राशि, इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब बारी आती है कृत कार्य की। तो कार्य के बारे में आप पहले ही देख चुके हैं कि कार्य का सूत्र क्या होता है, कैसी राशि है, उसका मात्रक क्या होता है। आवेग को हम जान लेते हैं, आवेग क्या होता है। आवेग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है क्रिकेट के जो खिलाड़ी रहते हैं, जब वो कैच पकड़ते हैं, तो बॉल को अपनी तरफ हल्का सा खींचते हैं, एक प्रकार से बल लगाते हैं हल्का सा थोड़े से समय के लिए, ताकि बॉल जो है उछल के ना गिर जाए। ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें हमने क्या किए? एक बल लगाए, थोड़े से समय के लिए लगाए बल, लेकिन तो जब कोई बल, छोटा सा बल कुछ समय के लिए कार्य करता है तो ही हम उसको आवेग कहते हैं। तो एस यहाँ पर विस्थापन नहीं है, यहाँ पे एस जो है टाइम है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये भी जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें हमें ये भी ध्यान देना रहता है कि हम आखिर बल को लगाएं किस दिशा में, ठीक है। और यदि इसको आप आगे, बल का मात्रक हो गया न्यूटन और टी समय का मात्रक हो गया सेकंड, न्यूटन सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। और दिशा क्या होगी? दिशा वही रहती है जो बल की दिशा रहती है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सातवां। सातवां में पूछा गया है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, समय को बता रहा है। चंद्रमास, चंद्रमास मतलब कि एक पूर्ण चंद्र से दूसरे पूर्ण चंद्र के बीच का जो टाइम रहता है ये कहलाता है चंद्रमाह या चंद्रमास। ये यदि करेक्ट यदि बात करें तो 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का रहता है। अब बारी आती है प्रकाश वर्ष की। तो प्रकाश वर्ष हम सभी जानते हैं, लंबी दूरियों को दर्शाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारसेक के बारे में पूछा गया है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी, प्रकाश की चमक, समय, चुंबकीय बल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूरी। अब पारसेक से संबंधित कुछ चीज़ें आपको देखना जरूरी है। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो पारसेक कहलाती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। और या फिर इसको यदि आप और भी सरल करेंगे तो ये जो 3.26 प्रकाश वर्ष है ये हो जाता है 3.08 × 10^16 मीटर। ये दोनों चीज़ें हमको याद रखना है। अब देखते हैं हम नौवा प्रश्न। नौवा प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो डेसीबल, हम सभी जानते हैं ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अशुशक्ति, शक्ति की इकाई, ये भी राइट है। समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। और सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई है। अब इनमें से हमको
यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो सेल्सियस होता है वो टेम्परेचर को मापता है, और ऊष्मा की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ये जो है हमारा सुमेलित नहीं है। 10वें नंबर का प्रश्न है, ल्यूमेन के बारे में पूछा गया है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ये जो ल्यूमेन है, और एक एक और इसी प्रकार का एक आता है आगे, वो बहुत कंफ्यूज करता है। तो ल्यूमेन का किसका मात्रक है, तो फ्लक्स, यहाँ पे ला है और यहाँ पर भी ला है, इससे आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो कि ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का नहीं। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता, ऊष्मा, तापक्रम, ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता। अब पास्कल के बारे में पूछा गया है, पास्कल इकाई है, हम पहले ही समझ चुके हैं दाब की इकाई पास्कल है। अब कैंडेला, कैंडेला मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता। ठीक है, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है, एक कैंडेला में और एक होता है ल्यूमेन में, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला। 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो जूल किसकी इकाई है, ऊर्जा, बल, दाब, तापमान। सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा। अब यहाँ पे बताना है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, तो ये तो आपको याद करने वाली चीज़ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा 1971 में। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो हर्ट्ज तरंग दैर्ध्य, तीव्रता, स्पष्टता, आवृत्ति, ये नापता है तरंगों की आवृत्ति को। अब हमें देखना पड़ेगा कि आखिर आवृत्ति होती क्या है। ठीक है, तो इकाई समय में किए गए जो दोलनों की संख्या है, कितनी बार कोई चीज़ दोलन करती है एक इकाई समय में, उसे ही हम कहते हैं आवृत्ति। 17वां प्रश्न पूछा गया है, विद्युत मात्रा की इकाई बताना है हमको, तो एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एम्पियर। अठारहवां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइऑप्टर। 19वां क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो खून में है हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो इसके बारे में आप जानते, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा है, तो इसका सही आंसर है वातावरण में ध्वनि। अब 20वां क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है, अब बताइए आप क्या मापने की इकाई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा करंट को, करंट को मापा जाता है एम्पियर के द्वारा। ये थे हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगला वीडियो जल्दी ही हाजिर होगा, तैयारी आप अपनी जारी रखिए।